में मंजली स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज के इस वीडियो में इस रिपोर्ट में इस खास प्रोग्राम में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बच्चन फैमिली की एक ऐसी खबर लेकर जिसे सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। बच्चन फैमिली की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी जुबान पर आते हैं सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, श्वेता बच्चन और उनकी पोती आराध्या। तो वही श्वेता के अगस्तस्य नंदा और नव्या नवेली नंदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चन परिवार के नाम से सिर्फ आपको यही फैमिली याद आती है, लेकिन इनसे बच्चन फैमिली से जुड़े कुछ ऐसे रिश्तों का खुलासा आज मैं इस प्रोग्राम में करने वाली हूँ जिसे सुनकर आप खुद शॉक हो जाएंगे कि आखिर बच्चन फैमिली में और भी इतने लोग शामिल हैं, लेकिन कभी भी बच्चन फैमिली ने बॉलीवुड में उनको अपने आगे पेश नहीं किया है। तो आखिर ऐसे कौन से घर के सदस्य हैं जो बच्चन फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं लेकिन कभी भी टीवी पर या कैमरे के सामने आए नहीं है या फिर उन्हें आने नहीं दिया गया है, वो मैं आपको आज के इस खास प्रोग्राम में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बता दूं बच्चन फैमिली के बिग बेब यानी कि अमिताभ बच्चन फिलहाल अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वो अपने करियर को ढील नहीं छोड़ रहे हैं और करियर में आगे बढ़ने की हर एक कोशिश कर रहे हैं। झुंड के टीजर की बात कर ले तो यहाँ पर झुंड के टीजर में वो एक अलग ही लुक में नजर आ रहे हैं जिनको फैंस काफी प्यार और दुलार दे रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अपनी इस खबर की ओर कि आखिर ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जो बच्चन फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, तो जानने के लिए देखिए हमारा ये प्रोग्राम लास्ट तक। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, काफ़ी कुछ सुना है और हमने कुछ पढ़ा भी है। यही नहीं, अमिताभ बच्चन के परिवार के कई और मेंबर्स जैसे बेटे अभिषेक, बेटी श्वेता सहित जया और ऐश्वर्या के बारे में भी हम जानते ही हैं। लेकिन अमिताभ के इन फैमिली मेंबर्स के अलावा भी कई ऐसे सदस्य हैं जिनके बारे में लोगों को कम ही पता है। आइए नज़र डालते हैं अमिताभ बच्चन की फैमिली ट्री पर। अमिताभ के दादाजी और दादी का नाम लाला प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सरस्वती देवी था। इनके चार बच्चे हुए बिट्टन, भगवान दे, हरिवंश राय और शालिग्राम। अमिताभ की बुआ और हरिवंश राय की बड़ी बहन भगवंदोई के बेटे बहू का नाम रामचंद्र और कुसुमलता है और इनके चार बच्चे हैं जिनका नाम अशोक, किशोर, अनूप और अरुण है। आपको बता दें कि अमिताभ के पिता हरिवंश ने दो शादियां की थी। हरिवंश राय की पहली पत्नी का नाम श्यामा था जिसने उन्हें कोई संतान नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने तेजी से शादी कर ली जिनसे अमिताभ और अजिताभ का जन्म हुआ। अमिताभ के भाई अजिताभ के चार साल के जिनके बच्चे थे जिनके नाम भीम, नम्रता, नैना और नीलिमा है। आपको बता दें कि अमिताभ के चाचा और हरिवंश बच्चन के छोटे भाई शालिग्राम के भी एक बेटा है जिसका नाम धर्मेंद्र है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमिताभ के चाचा के बेटे धर्मेंद्र इन दिनों सपरिवार देहरादून में रहते हैं। इस तरह की अफवाहें अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली को लेकर सामने आई हैं कि किस तरीके से अमिताभ की एक सौतेली माँ भी हैं जिनका नाम श्यामा बताया जा रहा है। इस तरीके के कयास लगाए गए कि हरिवंश राय बच्चन ने जब दूसरी शादी की उसके बाद ही अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ की इस दुनिया में एंट्री हुई थी। वहीं पर आगे अमिताभ बच्चन को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन का शुरुआती नाम बताएं तो इनकलाब श्रीवास्तव था, लेकिन आज़ादी के बाद उनका नाम उनके पिता की कृतियों के पीछे के नाम बच्चन के साथ अमिताभ बच्चन हो गया। अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के बेटे हैं। उनके एक भाई अजिताभ हैं बच्चन हैं। उनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1952 को हुआ। इलाहाबाद के ज्ञान प्रभुवंदी और ब्यावज हाई स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से उच्च शिक्षा को प्राप्त किया। इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए कलकत्ता की शो एंड वॉलस में काम किया। अमिताभ और राजीव गांधी कॉलेज के दिनों में गहरे दोस्त थे
और यही नहीं, उन्हीं के कहने पर अमिताभ ने राजनीति में कदम रखा था। आज अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो सफलता अमिताभ को मिली वह अभिषेक को मिल पानी बहुत मुश्किल है। शुरुआत में उन्हें भारी आवाज और ऊंचे कद के चलते निर्देशकों ने अपनी फिल्म से लेने में इनकार कर दिया। हालांकि उनकी भारी आवाज को पृष्ठभूमि में इस्तेमाल किया गया और उन्होंने रेडियो में काम किया। अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में साथ हिंदुस्तानी में की। फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर अमिताभ को राष्ट्रीय पुरस्कार नवांकित अभिनेता से सम्मानित किया गया। लेकिन इस फिल्म के बाद उनके सितारे गर्दिश में जाते दिखे। 1971 में उन्होंने उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद में काम किया। हालांकि फिल्म में राजेश खन्ना के होने की वजह से अमिताभ का किरदार दबा हुआ रहा, पर उन्होंने फिल्म फेयर यह कलाकार का पुरस्कार जरूर मिला। इसके बाद तो असफलता का जो दौर आया वह बेहद खराब रहा। 17 फिल्में करने के बाद भी अमिताभ एक बड़ी सफलता के इंतजार में थे। इसी समय 1973 में प्रकाश मेहरा ने उन्हें जंजीर फिल्म में काम करने का अवसर दिया। अमिताभ को यह किरदार प्राण के कहने पर मिला और यह फिल्म उस समय की एक सफल फिल्म बन गई। इस फिल्म में उन्हें एंग्री यंग मैन का मौका मिला। जल्द ही वो बॉलीवुड के शीर्ष कलाकारों में से एक हो गए, जिस तरीके से हम और आप उन्हें देखते आए हैं। इसके बाद आई दीवार, शोले, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर और शक्ति जैसी सफल फिल्मों में भी उन्होंने एंग्री यंग मैन की ही भूमिका निभाई। हालांकि चुपके चुपके और कभी कभी जैसी फिल्मों में अमिताभ की बहुमुखी प्रतिभा से देखी 1978 में आई फिल्म डॉन ने अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड का बादशाह बताया दिया। 1980 से लेकर 1984 तक अमिताभ बच्चन ने मिस्टर नटवरलाल, द ग्रेट गैम्बलर, दोस्ताना, थान कालिया, नसीब, लावारिस, नमक हलाल, शक्ति, सत्ते पे सत्ता, मर्द, शराबी, कूली आदि जैसी कई हिट फिल्में दी और वह भी लगातार। आलम यह भी था कि अमिताभ इस दौर की जिस भी फिल्म में नजर आते, दर्शक उसे देखने सिनेमाघरों के बाहर लड़ना और लाइन लगाना शुरू कर देते थे। इसी दौर में अमिताभ का नाम जुड़ा अभिनेत्री रेखा के साथ। अमिताभ और रेखा की जोड़ी का जादू लोगों के सिर पर पूरे शबाब के साथ चढ़ता था। दोनों ने जिस भी फिल्म में एक साथ काम किया वह हिट हुई। तो इस तरीके की जिंदगी खुद अमिताभ बच्चन की रही और उनके परिवार के बारे में हमने आपको आज के इस खास प्रोग्राम में बताया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर अमिताभ बच्चन के घर में ये लोग भी सदस्य हैं। यहाँ पर सिर्फ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, श्वेता के अलावा भी कोई और सदस्य हैं जो बच्चन फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन कभी कैमरे के सामने नहीं आए। सुनकर आपके खुद के भी होश उड़ गए होंगे, जो हमने आपको अपने पूरे प्रोग्राम में बताया कि किस तरह बच्चन फैमिली के और भी सदस्य हैं जो इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं जो अमिताभ बच्चन जी रहे हैं, उससे काफी विपरीत जिंदगी वो अपनी लाइफ में जी रहे हैं। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिलहाल इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।